भूख लगना आम बात है, जब काम करेंगे तो भूख लगेगी ही, लेकिन कुछ लोगों को हर वक्त भूख लगती है। ये सामान्य बात नहीं है। आमतौर पर हम दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं। हेल्दी बॉडी के लिए एक दिन में इतने मील्स जरूरी भी है, लेकिन कई बार भरपेट खाने के बाद भी बार बार भूख लगने का एहसास होता रहता है। सवाल उठता है कि आखिर भरपेट खाने के बाद भी बार बार भूख का एहसास क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, ज्यादा खाना शरीर को क्या नुकसान देता है और बार बार लगने वाली भूख को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दरअसल बार बार भूख लगना ज्यादातर लोग शरीर में कुछ कमजोरी होने से जोड़कर देखते हैं। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो कमजोरी होने से अलग इसके पीछे और भी कई कारण हैं। हेल्थ लाइन वेबसाइट की खबर के मुताबिक अगर आपको दिन में बार बार भूख लगती है तो इसके पीछे प्रोटीन की कमी हो सकती है। दरअसल प्रोटीन भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स को काबू में रखता है, साथ ही उस हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है जो पेट भर जाने का संकेत देता है। वहीं फूड क्रेविंग को कम करने में भी मदद करता है। दूसरा कारण नींद की कमी हो सकता है। पूरी नींद ना लेने से भूख का संकेत देने वाला ग्रेलिन हार्मोन अपना कंट्रोल खो देता है और ये हार्मोन्स बढ़ जाता है, जिससे बार बार भूख लगने का एहसास होता है। वहीं रिफाइंड कार्ब्स ज़्यादा खाने से भी भूख ज़्यादा लगती है। दरअसल रिफाइंड कार्ब्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे में भूख ज़्यादा लगती है। शरीर में फाइबर की कमी से भी भूख जल्दी लगती है। फाइबर रिच फूड भूख कम करने वाले हार्मोन्स को बनाते हैं, जिससे पेट लंबे वक्त तक भरे रहने का एहसास रहता है। ज़्यादा तनाव लेना भी भूख की वजह बनता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है, जो भूख और क्रेविंग्स की वजह बनता है। डायबिटीज़ और थायराइड भी हो सकती है ज़्यादा भूख लगने की वजह। दरअसल डायबिटीज़ से पीड़ित मरीजों में ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो एनर्जी बनने की बजाय यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, जिससे ज़्यादा भूख लगती है। वहीं थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ने पर भी व्यक्ति को पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि बार बार भूख लगना वैसे तो गंभीर बात नहीं है, लेकिन सावधानी ना बरती जाए तो समस्या हो सकती है। बार बार खाना खाने से ओवर ईटिंग हो सकती है। ओवर ईटिंग जो हृदय रोग, डायबिटीज़, मोटापा, एसिडिटी, गैस, कब्ज, मांसपेशियों में दर्द और थकान की वजह बनती है। बार बार भूख लगने से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? हेल्थ लाइन वेबसाइट की खबर के मुताबिक पूरी नींद लें, जिससे समस्या खत्म होती है। ज़्यादा भूख को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका शरीर में पानी की कमी ना होने दें। तला भुना या मसालेदार ना खाकर इसकी जगह सेब, दलिया, अखरोट खाएं। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन मिलेगा, लंबे वक्त तक पेट भरा रहेगा, फैट भी जमा नहीं होगा और नींद भी अच्छी आएगी। जल्दबाजी में भोजन ना करें। चबा चबा कर खाने से खाना सही से पचेगा और एनर्जी देर तक भूख महसूस नहीं होने देगी। यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि ये जानकारी किसी भी तरह के इलाज के बारे में नहीं है। अगर आपको भूख लगने या ना लगने की समस्या है तो डॉक्टर के पास जाएं, उन्हीं की ही सलाह मानें। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।